सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। क्या फ्रेंड्स, आपके फेसबुक में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है? अगर आप कोई स्टोरी देखते हो तो आपको उसका आवाज़ सुनाई नहीं देता है और ये लिखा हुआ आता है म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। यहाँ पर अगर आप किसी और का भी स्टोरी देखते हो तो उसके स्टोरी का आपको आवाज़ सुनाई नहीं देता है। और दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ पर आपके स्टोरी में इंग्लिश सॉन्ग आ रहे हैं, हिंदी सॉन्ग नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ, आप ये प्रॉब्लम कैसे सही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा ही पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है अपने प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फेसबुक को। तो यहाँ पर आपको भी ऐसा ही करना है और चेक करना है आपके फेसबुक में कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है। ये फेसबुक अपडेट ना होने की वजह से भी आपकी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर आपको फेसबुक लिख के सर्च करना है और आपको चेक करना है आपके फेसबुक में कोई अपडेट तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे फेसबुक में एक अपडेट आ रखा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है। और फेसबुक को अपडेट हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको बाहर आ जाना है अपने मोबाइल के होम पेज पर। अब यहाँ पर आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग पर, और सेटिंग पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐप मैनेजमेंट पर जाना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक को ढूंढना है, जैसे कि मेरा फेसबुक मिल चुका है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका क्लियर कैच कर देना है इस तरह से। और क्लियर कैच करने के बाद अगर आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड याद है तो यहाँ पर आप क्लियर डाटा भी कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैंने क्लियर कैच कर दिया है, आपको सिर्फ इतना ही करना है और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब जो फ्रेंड्स मेन काम है अब आता है, इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब यहाँ पर आपको ना फेसबुक को ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप फेसबुक की सेटिंग में आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है हेल्प एंड सपोर्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिपोर्ट है प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आ जाने के बाद अब यहाँ पर आपको मिलता है कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंक्लूड इन रिपोर्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके स्टोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका स्टोरी कहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे कि मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरीज, तो यहाँ पर आपके स्टोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टोरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो मेन फंडा अब यहीं पर आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इसको यहाँ से कट करना है इस तरह से, और कट करने के बाद अपलोड फ्रॉम फ़ोन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे इंग्लिश सॉन्ग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक इंग्लिश सॉन्ग का स्क्रीन शॉट लेना है ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले कर रखा है स्टोरी वाले ऑप्शन में। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम इस वाले ऑप्शन अब आपको फिर से क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा स्क्रीन शॉट लेना है, जिसमें आपको कॉपीराइट का जो वो लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से, जहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पर आपको ये वाला स्क्रीन शॉट लेना है। और ये दोनों स्क्रीन शॉट लेने के बाद अब यहाँ पर आपको डिस्क्राइब द इशू, अब यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर टाइप क्या करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से यहाँ पर आपको ये टाइप करना है। ये जो लिखा हुआ है ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो जितना भी मेरे फेसबुक में स्टोरी में जो इंग्लिश सॉन्ग का ये जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सब मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर टाइप करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, और ये टाइप करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो रिपोर्ट है कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऊपर इस वाले सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये रिपोर्ट हो गई है, ये हमारी सेंड हो चुकी है। नीचे आप देख सकते हो हमारा ये फीडबैक
फेसबुक को टीम को चला गया है। अब क्या होगा, फेसबुक की टीम आपके अकाउंट को चेक करेगी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आपको 24 से फिर 48 घंटे में आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये मैं पहले आजमाया है, फिर मैंने आपको बताया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में यही प्रॉब्लम आ रहा था और मैंने इस तरह से करा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप भी ऐसा ही करना है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी।